हाय ब्रदर्स, कैसन बा यार? जीरो को छोड़ के खा रहे थे ना? आवाज आ रही? हम कंफ्यूज हो गए कि तुम खुद की बात कर रहे थे या किसी पपी की बात कर रहे थे। सो गाइस, बहुत हो गई यहाँ पे, मैं चलते हैं डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो। सो आज हम लोग जाने वाले हैं एक नई जगह। सो वॉच द ब्लॉग टिल एंड। हम कंफ्यूज हो गए कि तुम खुद की बात कर रहे थे या किसी पपी की बात कर रहे थे। जब बेइज्जती है, हमें लगा वो हीरो है। वो ज्यादा क्यूट लग रहा था तेरे, तू तो भूल ही जा फिर क्या लग रहा। रोड रोड गाइस, रोड पे बात नहीं करूंगा, तो अपनी डेस्टिनेशन से चलने बात करते हैं। सो लेट्स गो। मस्त रोड है यार, एक बात है आज क्या सीन है। ध्यानचंद को, ध्यानचंद जी को दद्दा भी कहते हैं, ज्यादा बहुत ओलंपिक कॉम्पिटिशन होते हैं। हालत खराब हो गई है मंदी। चल बोजड़ी के। लो स्लोप देख के ही हेमंत की तो हालत खराब हो गई। रुको जरा, सबर करो। ये गियर वाली साइकिल का गलत फायदा उठा रहा है और हम यहाँ धक्का मार रहे हैं अपनी साइकिल को। हमारी साइकिल में गियर होते काश, अब बाने हमें गियर वाली साइकिल ही दिलाई। बड़ा हरामी हो बेटा। अब बाकी शुक्र को यार साइकिल तो दिलाई कम से कम। अरे यार खड़ी 90 डिग्री की है, बिल्कुल खड़ी रोड। गाइस हाथ टूट गए मेरे, एक हाथ में कैमरा और दे 90 डिग्री। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो?
गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने अभी सीबरी का ब्लॉग अपना काट दिया था बीच में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफ हो गया था। अगर हम लोग वो शूट करते तो शूट करने के लिए हम लोग नहीं रहते। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सीखा चल, इसलिए हमने वो काट दिया। सो दिख रहा है ना अभी हम लोग ध्यानचंद के पीछे जाएंगे, उसके पीछे एक टनल है, वहाँ पे कैमरामैन साहब बता रहे हैं कि अच्छी जगह है देखने के लिए। आपने देखा था अभी यहाँ से ट्रेन गई थी, क्या व्यू है यार, आत्मा प्रसन्न हुई मेरी तो ये देख के। रियली गाइस मस्त। अभी अपन पहाड़ पे आ गए, देखिए गाइस पहाड़। सो गाइस बहुत हो गई यहाँ पे, मैं चलते हैं डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो।